सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें टीकमगढ़ नगर पालिका सीएमओ रीता करौलिया ने अपने पति के साथ नगर पालिका में प्लम्बर का कार्य करने वाले एक कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज की और मुर्गा बनाकर मारपीट की। इसके साथ ही पुलिस के हवाले करने की भी धमकी दी गई। ऑडियो वायरल होने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे को एक शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि उनको 2 महीने से अधिक की वेतन नगर पालिका के द्वारा भुगतान नहीं की गई है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इसी संबंध में नगर पालिका सीएमओ ने फोन लगाकर अपने निवास पर कार्यकर्ताओं को बुलाया था और उसके साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया। मेरे 2 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने सीएमओ के पास गए तो वे बोले अभी मिल जाएगा। 1-2 माह हो गया जब हमारे पास एक रुपया नहीं है खाने के लिए, मेरे बच्चे भूखे मर रहे। तो सीएमओ से मैंने बात की द्वारा, तो बोले आ जा, तनख्वाह के बारे में मेरे को बात करना है। तो उसने बंगले पे बुला के वो अंदर पेड़ के मेरे को मारा, मुर्गा बनाया और बहुत बुरी तरह से मारा है मेरे को, मारने की धमकी भी दी है मेरे को। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।